यह एटा जिला जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक जिला है। एटा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग की ओर बसा हुआ है। यह जिला अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है और जिला मुख्यालय एटा शहर है। एटा जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। एटा जिले के उत्तर में कासगंज जिला, दक्षिण में फिरोजाबाद व मैनपुरी जिला, पूर्व में फर्रुखाबाद जिला, पश्चिम में हाथरस जिला से घिरा हुआ है। एटा जिला कानपुर दिल्ली हाईवे के मध्य में स्थित है, जो कि ऐतिहासिक रूप से यह स्थान 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र रहा था। प्राचीन समय में इस स्थान को आथा कहा जाता था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने बसाया था। 5,444 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले एटा जिले की आबादी सन 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 17,74,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की आबादी 9,47,000 तथा महिलाओं की आबादी 8,27,000 है। वही एटा जिले के सेक्स रेशियो की बात करें तो एटा जिले में 1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं हैं। जाति धर्म के अनुसार एटा जिले में 90.79% हिंदुओं की आबादी, जबकि 8.25% मुसलमान, 0.14% ईसाई, 0.32% जैन, 0.42% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शिक्षा के मामले में एटा जिले की लिटरेसी रेट 70.81% है। जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, एसके कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे अन्य कई शिक्षण संस्थान एटा जिले में मौजूद है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से एटा जिले में 3 तहसीलें मौजूद है, अलीगंज, एटा, जलेसर। इसके अलावा एटा जिले में 8 ब्लॉक, 18 पुलिस स्टेशन और जिले में कुल गांव की संख्या 880 है। एटा जिले की मुख्य नदी का नाम ऊपरी गंगा है। ऊपरी गंगा नदी के किनारे बसा एटा शहर राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 309 किलोमीटर, वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एटा जिला की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जिले की कुल आबादी का 70% हिस्सा खेती करके अपना जीवन यापन करता है। यहाँ पर धान, गेहूं, सरसों, आलू, तंबाकू, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी जैसी फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। आवागमन के दृष्टिकोण से एटा जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग एटा जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन व एटा रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन बरहन एटा शाखा लाइन पर स्थित है। एटा रेलवे स्टेशन अपने रेल मार्ग के द्वारा राज्य के छोटे बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग एटा जिला सड़क मार्ग के द्वारा फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कासगंज, दिल्ली, कानपुर जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एटा शहर में मौजूद रोडवेज बस अड्डा, जहां से देश व राज्य के छोटे बड़े शहरों को नियमित रूप से यहां से बसों को संचालित किया जाता है। दोस्तों, एटा जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आइए जानते हैं वह कौन से खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिनके बिना एटा जिले का भ्रमण अधूरा है। एटा जिले में मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थल पटना विहार पक्षी अभयारण्य, अवागढ़ किला, कैलाश मंदिर, बड़ा जैन मंदिर, पथवारी मंदिर जैसे अन्य कई खूबसूरत पर्यटन स्थल एटा जिले में मौजूद है। यदि दोस्तों आप कभी एटा जिले को आ रहे हैं तो इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर एक बार घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।